वेलकम गाइज वेलकम बैक टू यू ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्कलिस में इस वीडियो में हम डिटेल निफ्टी का एनालिसिस करने वाले बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी आपको दे चुके हैं नहीं देखे वीडियो जरूर जाके देख ले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है काफी चीजें वहाँ डिस्कस की है कि ओवरऑल क्या सिनेरियो एक्सपेक्टेड है इतना मेजर फॉल देखने को मिला फ्राइडे लेकिन अभी भी हम मार्केट में बोलेश है कहाँ से आपको डिप्स को बाय करना है कहां तक है ये पूरी रैली एक्सपेक्टेड है सब कुछ वहाँ डिटेल में डिस्कस किया तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखिए जरूर जाके देख लें आई बटन पर आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो में सिमिलर डिटेल निफ्टी का एनालिसिस होगा मंडे स्पेसिफिक लेवल्स और ट्रेड्स की भी बात करेंगे एंड साथ साथ ब्रॉड आउटलुक क्या है काफी मेजर फॉल जरूर देखा फ्राइडे को लेकिन नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्टेड है निफ्टी में सारी चीजों की डिटेल में बात करेंगे बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दे चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते क्या हुआ मार्केट में क्या हमने डिस्कस किया था और कैसे आप इंट्राडे प्ले कर सकते थे एंड तो उसके बाद मंडे क्या सेटअप यूज करना है ये देखिए ओवरऑल एक शार्प डाउन ओपनिंग देखने को मिली काफी लोअर लेवल्स पे ओपनिंग हुई लेकिन फर्स्ट कैंडल से काफी अच्छी रिकवरी हमें मार्केट में दिखती है देखिए लेवल्स भी बता देता हूँ साथ साथ यहाँ पे हमारा ओवरऑल लेवल है एटीन उसके बाद 18200 और अपसाइड लेवल था 18250 वैसे 18250 हमने टेस्ट नहीं किया फिर भी पर आपको लेवल बता रहे हैं अब पहली चीज बहुत डिसेंट बाउंस आया अगर आप लोअर लेवल्स से देखोगे लेकिन क्या इस बाउंस में मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया था नहीं अगर आपके चार्ट पे सुपर ट्रेंड मार्क था ना तो सुपर ट्रेंड अभी भी मार्केट में सेल साइन के साथ ही था तो ओवरऑल ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था मार्केट में एंड ये बाउंस क्यों देखने को मिला क्योंकि बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी पोजीशंस हायर लेवल्स पे बनी हुई है वो कहीं तो स्क्र ऑफ़ करेंगे तो उनको एक बाउंस चाहिए था अपनी पोजिशन को बुक करने के लिए इसीलिए हमें बाउंस देखने को मिला और उसके बाद एक बहुत ही शार्प स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्दर डिप आता है हमने डिस्कस क्या किया था हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को रैली करना है तो 18250 के अबव ही कोई अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करे या इसके अबव जाए तो ही कॉल्स में एंट्री बनेगी और अगर 18200 टू लोअर साइड ब्रेक हुआ जो दोबारा बाउंस के बाद ब्रेकडाउन मिला है बहुत फास्ट ब्रेकडाउन था लेकिन ब्रेकडाउन मिला है अगर इस लेवल को हमने लोअर साइड ब्रेक किया तो मार्केट में फॉल आएगा और आपको पुट्स में एंट्री करनी है ठीक है अब यहाँ पर बहुत सडन फॉल है तो हो सकता है आपने ट्रेड ना बनाया हो लेकिन एक ट्रेड बहुत ईजिली आप जरूर बना सकते थे मार्केट में यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल यहां से पर मार्केट में हमें एक डिसेंट बाउंस बैक देखने को मिलता है और इस बाउंस में हम कहां तक आते हैं एटीन वन सिक्सटी पे एटीन थाउजेंड वन सिक्सटी लेवल ओवरऑल पहले से हमारा लेवल है बाउंस जरूर आया लोअर लेवल से लेकिन अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है तो वर्क करेगा रेजिस्टेंस का एक्जैक्टली exactly, जो मूव आया ना एक्जैक्टली exactly लेवल से आया बाउंस आता है लेवल तक और फिर लेवल से ही मार्केट में दोबारा हमें मेजर फॉल देखने को मिलता है पहली बार एक शार्प रेड कैंडल बनाई जो मार्केट में क्लियरली आपको बता रही है कि लेवल रजिस्टेंस का वर्क कर रहा है और अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी है तो एक और बार मार्केट एटीन वन आती है और वहाँ से दोबारा हमें मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है बहुत शार्प मूव्स थे बहुत लिमिटेड ट्रेड trade थे ट्रेड्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थे 18200 का अगर यहाँ पे छोटी कैंडल्स बनती ना तो तो हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड बहुत जल्दी मिल जाता लेकिन यहाँ बहुत साब बहुत बड़ी कैंडल्स बनी है तो इमीडिएट आपको एंट्री नहीं मिली आपको ऑलमोस्ट एंट्री इस ट्रेड में मिली है कि एटीन वन सिक्सटी आती है मार्केट लेवल पे स्ट्रगल भी करती है मार्केट साइंस देती है मैं आपको वही बताता हूँ कि मार्केट से आपको बातें करनी आनी चाहिए मार्केट आपको खुद जाके साइन देगी लेवल पे लेवल पे जाके स्ट्रगल करेगी तो आप समझो कि मार्केट आपको क्या बताना चाह रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनाने हैं ट्रेड पर हमेशा लेवल पर होना चाहिए मिड में नहीं पूरे दिन का अगर मेले कोई ट्रेड था तो वो ये ट्रेड था इसके अलावा बहुत मुश्किल था ट्रेड्स को कैच करना क्योंकि बहुत सडन मूव्स थे रैंडम आप कोई ट्रेड बना लो कि आपने मॉर्निंग में कॉल में एंट्री कर ली विदाउट एनी लॉजिक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि मार्केट हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगी लेकिन ये रेंडम ट्रेड है जो सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड था वो ये आप कैच कर सकते थे एटीन वन सिक्सटी लेवल है रजिस्टेंस का वर्क करेगा क्लियरली ट्रेंड नेगेटिव था एटीन टू हंड्रेड के बिलो ये आपको बताया था तो जो भी बाउंस आया उसके बाद यहाँ पुट्स में एंट्री बन सकती थी और मार्केट ने साइन भी दिया है वहाँ पर रेड कैंडल बनी एक बहुत चाप और दोबारा बाउंस में भी मार्केट वहाँ रिजेक्शन फेस करती है और उसके बाद एक कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिलता है तो ये दिन का एक बेस्ट ट्रेड था एज़ पर सेटअप अब, अब फ्राइडे को अच्छा डिसेंट फॉल देखा है क्या अब मार्केट में हम नेगेटिव हो चुके हैं नहीं मंडी के लिए एग्जैक्टली ट्रेड्स और सेटअप बताऊंगा लेकिन पहले ब्रॉड आउटलुक समझा देता हूं ताकि आपको मार्केट का ट्रेंड समझ आए कि पोजिशनली मार्केट का क्या ट्रेंड है चलिए पोजिशनल पे आ जाता है निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे ये देखो ये हमारा निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था सेवेंटीन जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला हम मार्केट में बुलिश हो गए थे पहला टारगेट था एटीन वो भी आ चुका है और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा एटीन यहाँ तक हमें मार्केट एक्सपेक्टेड है रैली करेगी अभी भी हमारे मार्केट बाय ऑन डिप्स की है और इस पूरी रैली में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है हमारा सेवनटीन एट हंड्रेड और जो हमारा इस रैली में टारगेट है वो है एटीन थाउजेंड फोर एट्टी ठीक है और अभी जो इमीडिएट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है एटीन थाउजेंड यहाँ तक कोई भी डिप आए नेक्स्ट वीक वो आपको बाय करना चाहिए वहाँ से दोबारा बाउंस बैक और रैली एक्सपेक्टेड है देखो ओवरऑल बहुत बड़ी रैली देखी है हमने मार्केट में तो ऐसे डिप्स आएंगे मार्केट में मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकती अपसाइड तो ऐसे डिप्स ज़रूरी हैं और ये डिप्स आपको और अच्छे ट्रेड्स देते हैं अच्छे लेवल्स पे आपको एंट्री मिलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 18,000 के आसपास कभी भी मार्केट मिले वो डेप आपको ज़रूर बाय करना चाहिए वहाँ से दोबारा रैली एक्सपेक्टेड है और ये है हमारा पोजिशनल टारगेट देखो पोजिशनल टारगेट है ऐसा नहीं कि इंट्राडे मंडे को ही यहाँ तक रैली कर जाएगी पोजिशनल टारगेट है और पोजिशनल टारगेट्स के लिए हमेशा मैं आपको क्या बताता हूँ मंथ एंड एक्सपायरी में ट्रेड्स करने चाहिए और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है होप ये चीज़ें क्लियर है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बहुत बार देखता हूँ क्वेरीज आती है ट्रेड्स की भी क्वेरी आती है और इसके अलावा कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करें अब मैं देख रहा हूँ मार्केट है एटीन थाउजेंड सेवेंटी पे लोग एटीन फाइव हंड्रेड की कॉल होल्ड कर रहे हैं या सेवनटीन फाइव हंड्रेड की पुट होल्ड कर रहे हैं देखो इतना आउट ऑफ द मनी में कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है ये कोई लॉटरी तो आप खरीद नहीं रहे हो ठीक है आपको लगता है यहाँ बहुत सस्ती कॉल मिल रही है वो सस्ती नहीं है उसमें कोई रियल वैल्यू ही नहीं है मार्केट आपके डायरेक्शन में दो सौ पॉइंट्स में मूव कर जाएगी तब भी आपको लॉस होगा तो कभी भी मैक्सिमम आपको जहां पे मार्केट चल रही है उस स्ट्राइक को बाय करना है या तो एक स्ट्राइक इन द मनी बाय कर लो या एट द मनी मान लो एटीन थाउजेंड सेवेंटी है तो आप एटीन वन हंड्रेड तक बाय कर सकते हो इससे आउट ऑफ द मनी आपको बाय नहीं करना है कभी भी स्ट्राइक मैक्सिम लोग यही गलती करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही दूर की पोजिशन बाय कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसी बड़ी रैली आ गई या बड़ा फॉल आ गया तो बड़ा प्रॉफिट होगा मैक्सिमम चांसेस आपको लॉस ही होगा और लॉस ही होता है प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ लॉस ही होगा ऐसे स्ट्राइक्स में इतनी दूर की पोजिशन कभी भी नहीं बनानी है एट द मनी मैक्सिमम आपको यहीं पर ट्रेड करना है ठीक है तो होप आपकी ये बारी भी रिजॉल्व है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रेड करना चाहिए एट द मनी सबसे अच्छा स्ट्राइक होता है वहाँ प्रीमियम भी नॉर्मली होता है एंड ओवरऑल मूवमेंट भी अच्छी आती है जब आपके डायरेक्शन में मूव आता है आउट ऑफ द मनी में क्या मूवमेंट आएगी ठीक है अगर मान लो 50 पॉइंट मार्केट गैप अप भी ओपन हो एटीन फाइव की कॉल में कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी हाँ एटीन फाइव की पुट में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी वैल्यू तो इसलिए ऐट द मनी में कभी भी ट्रेड करो आउट ऑफ द मनी में आपको ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए एंड होप पोजिशनल सेटअप क्लियर है ओवरऑल हम बुलिश बाय ऑन डिप्स की मार्केट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सेवेंटी एट हंड्रेड पोजिशनल टारगेट एटीन फोर एट्टी एंड इमीडिएट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए एटीन थाउजेंड वहाँ तक कोई भी डिप मिलेगा वो आपको बाय करना चाहिए क्लियर अब आ जाते हैं इंट्राडे मंडे के सेटअप पे पहले चार्ट्स पे बात करते हैं फिर ऑप्शन चेन भी देखेंगे चार्ट्स पे लेवल क्या है इमिडिएट सपोर्ट है एटीन थाउजेंड सेवेंटी उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीन थाउजेंड अपसाइड एटीन वन हंड्रेड इमीडिएट है उसके बाद एटीन वन सिक्सटी एंड एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है पहली चीज़ मंडे अगर एटीन वन हंड्रेड के हम अबव जाते हैं इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं टारगेट होगा एटीन वन सिक्सटी ओवरऑल अभी भी हम बोले इतना अच्छा खासा डिप आया है लेकिन ओवरऑल इतना डिप बनता भी है मार्केट में यार इतनी बड़ी रैली आई थी और सडनली ये रैली कहाँ से आई थी एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग की वजह से तो बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी इस रैली में तो एक डिप आना जरूरी था और ये डिप अच्छा है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए भी ठीक है तो ओवरऑल पहला ट्रेड 18100 के अबव कॉल्स में एंट्री 18160 पहला टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो नेक्स्ट टारगेट 18200 और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो भी आपकी क्वेरीज है नेक्स्ट वीकेंड मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ उसमें सारी क्वेरीज आंसर कर एंड ट्रेड हो पहला क्लियर है एटीन वन हंड्रेड के अब कॉल्स में एंट्री सेकेंड कॉल की एंट्री बनेगी जो मैंने आपको बार बार कहा अगर एटीन थाउजेंड तक कोई डिप मिले यहाँ भी आप कॉल में एंट्री कर सकते हो यहाँ से आपका टारगेट होगा एटीन थाउजेंड सेवेंटी तो दो कॉल्स की एंट्री डिस्कस की अभी तक डिप मिला एटीन थाउजेंड पर डिप बाय करेंगे अपसाइड लेवल का ब्रेकआउट मिला तो भी कॉल में एंट्री क्या कहीं पे पुट्स में एंट्री बन सकती है एक बार बन सकती है अगर 18,070 मंडे लोअर साइड ब्रेक होता है तो एक बार आप पुट्स में एंट्री कर सकते हो 18,000 आपका टारगेट होगा यहाँ पे श्योरली फिर आपको एग्जिट होना है और फिर ट्रेड को रिवर्स कर देना है जो आप अभी यहां पुट्स में थे ना आपको यहां पे कॉल्स में एंट्री कर लेनी है इसका एस एल ट्वेंटी फाइव का रहेगा यानी फाइव आपका इसका एस रहेगा सिंपली 25 फाइव पॉइंट्स का एस ये सिंपल और क्लियर सेटअप है चार्ट पे अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि भाई ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है ये तो हमने चार्ट्स पे डिस्कस कर लिया क्या डाटा भी इन चीज़ को वैलिडेट कर रहा है या नहीं वो भी देख लेते हैं ये देखो इमीडिएट 18,000 पे सपोर्ट है जो मैंने आपको पहले ही बताया 90,000 थाउजेंट ओआई है पुट साइड कॉल साइड 36,000 तो एक डिसेंट गैप है मोर देन फिफ्टी का तो इमीडिएट एटीन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लियरली ऑप्शन चेन ये बता रही है वैसे बहुत ज़्यादा ओआई नहीं बना हुआ है लेकिन फिर भी करंट ओआई के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस की बात करें एटीन वन हंड्रेड पे नहीं है ज्यादा क्यों नहीं है क्योंकि कॉल साइड ओआ है 1, 50, almost, 1, 23, तो एक बहुत ही नैरो गैप है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड का इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस नहीं कह सकते स्ट्रॉग रजिस्टेंस है मार्केट में एटीन टू हंड्रेड पे जहां टू लैख थर्टी फोर थाउजेंड ओआ है कॉल साइड पुट साइड वन लैख ट्वेंटी फोर यानी 18200 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है मोर देन वन लैक ओ का गैप है तो ये ओवरऑल रेंज है जिस रेंज में मंडे हमें मार्केट वर्क करती हुई दिख सकती है इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं एंड इस रेंज को सिंपली कैसे प्ले करना है जो चार्ट्स पे ट्रेड डिस्कस किए हैं वही आप फॉलो कर सकते हैं एक और चीज़ चार्ट्स जो डेली हम डिस्कस करते हैं दो टाइम फ्रेम जो पोजिशनल डिस्कस करते हैं वो होता है डे टाइम फ्रेम और जो इंट्रा डे डिस्कस करते हैं वो होता है हमेशा फाइव मिनट टाइम फ्रेम काफ़ी बार ये भी क्वेरी आती हो सकता है कुछ लोग नए हो उन्हें ना पता हो इंट्राडे जो हम ट्रेड डिस्कस करते हैं जो अभी आपको चार्ट्स दिखाए जिसपे इंट्रा डे ट्रेड्स बात की वो फाइव मिनट टाइम फ्रेम का होता है हमेशा ठीक है कई बार कन्फ्यूज़न आ जाती है कि फाइव मिनट है या फिफ्टीन मिनट तो वो क्वेरी भी मैं यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ ये सिंपल सेटअप है जो हम डेली फॉलो करते हैं और बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी क्वेरीज कमेंट्स में कर सकते हैं मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा इसके अलावा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दें एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गारंटीड बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस यहाँ हम आपको डेली देते हैं एंड इससे ज़्यादा परफेक्ट एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकता ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स से ये हम प्रूव कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें